हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे एंड ट्यूटोरियल्स को एंजॉय करें। सो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है पिक्सार्ट मैनिपुलेशन बबल्स कॉन्सेप्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग एंड डोप सा कॉन्सेप्ट है। सो बिना टाइम वेस्ट के हम अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि डेली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड अगर आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं डेली वहाँ पे अपडेटेड रहती हूँ। एंड वीडियो को पूरा एंड तक देखें एंड एक लाइक करना ना भूलें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम पिक्सार्ट ऐप ओपन करेंगे एंड पिक्सार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड सबसे पहले हमारा जो बैकग्राउंड है हम उसे ऐड करेंगे। बैकग्राउंड को हम ऐड करने के बाद हमारा जो पहला PNG है बबल्स का, हम उसे ऐड करेंगे। सो अब हम ऐड फोटो में जाएंगे एंड हमारा जो PNG है बबल का, हम उसे ऐड करेंगे एंड इसे हम पूरा फुल स्क्रीन कर देंगे। एंड अब हम इसमें थोड़े से चेंजेस करेंगे। तो अब हम एडजस्ट में जाएंगे एंड इसकी जो सैचुरेशन है हम इसे कम कर देंगे, पूरा -100 कर देंगे, जिससे कि हमारा जो PNG है वो बैकग्राउंड से मैच होने लगे। तो इसे हम डन कर लेंगे एंड नेक्स्ट हम ब्लेंड मोड पे जाके इसे स्क्रीन कर देंगे। परफेक्ट, अब ये हमारे बैकग्राउंड से मैच होने लगा। सो इसे अब हम डन कर लेते हैं। ओके, अब हम इसे डन कर लेते हैं एंड नेक्स्ट हम ऐड फोटो में जाएंगे और हमारे जो मॉडल है हम उसे ऐड करेंगे, हमारे जो बबल है हम उसमें ऐड करेंगे एंड उसे अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। ओके परफेक्ट, हमारा जो मॉडल है वो अच्छे से सेट हो चुका है। एंड अब हम इरेज में जाएंगे एंड इसकी हार्डनेस को हम कम कर देंगे एंड इसे हल्का सा इरेज करेंगे। ये बहुत ज़्यादा हो गया तो मैं इसकी ओपेसिटी को कम कर देती हूँ। अब हम इसे अच्छे से इरेज कर लेंगे जिससे कि ऐसा लगे कि हमारा जो मॉडल है वो बबल के अंदर है। थोड़ा सा नीचे की तरफ इरेज कर देंगे। ओके परफेक्ट, अब ये परफेक्टली मैच होने लगा है। अब हम इसे डन कर लेते हैं। सो आप देख सकते हैं कितने अमेजिंग है, परफेक्टली एडिट हो चुकी है। सो अब हम नेक्स्ट ऐड फोटो में जाएंगे एंड हमारा जो नेक्स्ट PNG है हम उसे ऐड करेंगे एंड इसे हम फुल स्क्रीन कर देंगे एंड ब्लेंड पे जाके इसे स्क्रीन कर देंगे एंड इसे हम डुप्लीकेट करेंगे एंड इसे हम फ्लिप करके एक और एक अप्लाई करेंगे। ओके डन। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी डोप एंड अमेजिंग सी कॉन्सेप्ट बन चुकी है, हमारी जो फ़ोटो है वो बन चुकी है। लेकिन ये हमारी जो फ़ोटो है वो अभी पूरी तरह से रेडी नहीं हो चुकी है। सो अब हम टूल्स में जाएंगे एंड थोड़े से एडजस्टमेंट्स करेंगे एंड सबसे पहले हम कॉन्ट्रास्ट में जाएंगे एंड इसका जो कॉन्ट्रास्ट है हम थोड़ा सा ही बढ़ाएंगे एंड क्लैरिटी को भी हम इंक्रीज़ कर देंगे। ओके डन। एंड अब हम बाकी का लाइट रूम ऐप में करेंगे। सो ड्रॉ टूल में जाएंगे एंड हमारी जो फ़ोटो है हम उसे सेव कर लेंगे। 3 डॉट्स में जाएंगे एंड हमारी जो फ़ोटो है हम उसे सेव कर लेंगे। सो यस, अब हम आ गए हैं लाइट रूम ऐप में। ऑल फोटोज़ में जाएंगे एंड हमारी जो फ़ोटो है हम उसे ओपन कर लेंगे। ये हमारी जो फ़ोटो है वो ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले अब हम सन टूल में जाएंगे एंड इसका जो एक्सपोजर है उसे हम हल्का सा कम कर देंगे क्योंकि फ़ोटो में जो एक्सपोजर वो बहुत ज़्यादा है एंड इसमें जो कॉन्ट्रास्ट है हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे एंड ब्लैक्स को हम थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देंगे। नेक्स्ट टेम्परेचर में जाएंगे एंड वाइब्रेंस को हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे। नेक्स्ट हम मिक्स में जाएंगे एंड ऑरेंज कलर में जाएंगे एंड ल्यूमिनेंस को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे जिससे कि हमारा जो फेस का कलर है वो ग्लो हो जाए। क्या आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। नेक्स्ट हम ब्लू कलर में जाएंगे एंड
इसका जो ल्यूमिनेंस है हम इसे कम कर देंगे। नेक्स्ट एक्वा कलर में जाएंगे एंड इसका जो ल्यूमिनेंस है हम इसे भी कम कर देंगे एंड इसका जो सैचुरेशन है उसे भी कम कर देंगे एंड ब्लू का भी सैचुरेशन हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। ओके डन। एंड नेक्स्ट हम क्लैरिटी को इंक्रीज कर देंगे जिससे कि हमारी जो फोटो है उसमें क्लैरिटी आ जाए एंड थोड़ा सा विग्नेट ऐड करेंगे। ओके नेक्स्ट हम डिटेल्स में जाएंगे एंड इसकी जो शार्पनेस है हम समथिंग अराउंड 30-35 रख देंगे एंड इसका जो नॉइज़ रिडक्शन है हम इंक्रीज़ कर देंगे जिससे कि हमारी जो फोटो है ब्लर ना लगे एंड इसमें थोड़ा सा हम कलर नॉइज़ रिडक्शन भी ऐड कर देंगे। सो आप बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं कितनी अमेजिंग एंड डोप कॉन्सेप्ट लग रहा है, मतलब हमारी जो फोटो है कितनी अमेजिंग सी बन चुकी है। सो अब हम सेलेक्टिव टूल में जाएंगे क्योंकि हमारा जो मॉडल है वो थोड़ा सा डल लग रहा है। सो हम सेलेक्टिव टूल में जाएंगे एंड प्लस में जाएंगे एंड सर्कल को हम ऐड करेंगे एंड इसे अपने मॉडल पे हम पेंट करेंगे एंड सबसे पहले हम सन टूल में जाएंगे एंड इसके जो ब्लैक्स है हम इसे कम कर देंगे एंड इसमें हम थोड़ा सा ओके नेक्स्ट हम डिटेल्स में जाएंगे सॉरी क्लैरिटी को इंक्रीज़ कर देंगे समथिंग अराउंड 35 एंड इसका जो टेक्सचर है हम इसे भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे। ओके अब हम डिटेल्स में जाएंगे एंड इसकी जो शार्पनेस है हम उसे इंक्रीज़ कर देंगे समथिंग अराउंड 30-34 एंड नॉइज रिडक्शन। सो ये सब देख सकते हैं हमारी जो फोटो है अब हमारी जो फोटो है वो कितनी अमेजिंग लग रही है बिफ़ोर एंड आफ्टर। सो अब बिफ़ोर एंड आफ्टर देख सकते हैं, बिफ़ोर हमारी जो फ़ोटो है वो डल लग रही थी बट अब हम इसमें थोड़े से चेंजेस करें एडजस्टमेंट्स करने के बाद हमारी जो फ़ोटो है वो अमेजिंग लग रही है एंड इसमें आप थोड़ा सा टेम्परेचर भी ऐड करना चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं। सो यस बिफ़ोर एंड आफ्टर आप देख सकते हैं हमारी जो फ़ोटो है कितनी अमेजिंग एंड डोप लग रही है। सो अब हम इसे सेव कर लेते हैं सेव टू डिवाइस एंड कैसे लगी आपको प्लीज़ कमेंट करके बताइए एंड मुझे सब्सक्राइब करना ना भूले, एक लाइक करना ना भूले एंड शेयर करना ना भूले। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।